राम राम मेरे सारे साथियों ने, सारे भाई मौज में होंगे, एकदम कच्चे कट रहे होंगे। तो भाई आज आप ही सीखेंगे कि जो एज वाले क्वेश्चन है ना, आयु, एज वाले क्वेश्चन है, ये क्यों बने हैं भाई? तुमने सॉल्यूशन देखे आज तक है ना? मैं आपने न्यू बताऊंगा कि ये सवाल क्यों बने हैं, कितने इनकी खोज हुई है। अब देखो, ये सवाल समझने खातर एकदम डीपली समझाऊंगा, ठीक है? एकदम न्यू डूंगा जाके, एक भी चीज इसी को रहेगी जो ना समझ में आवे। ये बापी दो जने ले लिया। हाँ, आप ही पहले न्यू बनावांगा कि क्वेश्चन क्यों बने हैं। यो आपने आप ही दो ले लिया, एक ले लिया रामफल और एक ले ली बतेरी, ठीक है? दो जने ले ली, एक ले लिया रामफल और एक ले ली बतेरी, है ना? किसी का चाचा ताऊ का नाम होगा रामफल, और बुआ का नाम तो किसी का जरूर पाओगा बतेरी। रामफल मान लिया मैंने भाई 40 का, ठीक है? बतेरी मान ली मैंने 30 की, मान ली लो 30 की बतेरी तो बूंदी लग गई ना, ठीक ठीक लगा लिया। हाँ, 50 की लगा लूँ बतेरी, इब ठीक है बुआ बतेरी, ठीक है? इब मैं तारा पन्नू पूछूं कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। आप न्यू कहोगे जी 10 का है, ठीक है? इब मैं न्यू कहूँ कि 10 साल बाद में रामफल कितने का हो जाएगा, 50 का, और 10 साल बाद में बुआ बतेरी कितने की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी, हो जाएगी कौन हो जाएगी? इब इनकी आयु के बीच में कितना अंतर है, इब अभी 10 का है। तो पहली बात तो यह नोटिस करनी है, आप इन आयु वाले क्वेश्चन में जो अंतर रहे है वो समान रहे। चाहे 10 साल पहले चल जाऊं, मैं 10 साल पहले जाऊंगा तो 30 की, अरे अब बुआ बतेरी 40 की, जब भी 10 का ही अंतर है, ठीक है? पहली बात समझ आनी चाहिए कि आयु का जो अंतर है वो समान रहेगा, पहले चल जाओ चाहे बाद में चल जाओ, ठीक है? इवन यू देखो क्वेश्चन क्यों कर बने हैं। मान लो मैं 10 साल, 10 10 साल पहले और चल जाऊं, या 30 की, रामफल 30 को, और बुआ बतेरी कितने की, बुआ बतेरी हो जाएगी 40 की, ठीक है? ये वर्तमान में है, ठीक है? ये 10 साल बाद में हो गया आड़े, अरे हो गया, ठीक है? अब यूं देखो कि आड़े अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है? 3:4 है, और आड़े 5:6 है, ठीक है? ये मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूं, देख लिया? अब देखो आंसर आप इन्हें पता है कि वर्तमान आयु या है 10 साल पास इतने इतने की हो जाएगी। क्वेश्चन देखो क्यों कर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा रामफल व बतेरी, रामफल व बतेरी के आयु का 10 साल पहले अनुपात कितना था भाई, 3:4, वह 10 साल बाद आयु का, 10 साल बाद आयु का अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया, तो उनकी आयु का, उनकी वर्तमान आयु बताओ। ठीक है जी, नहीं बुझ लेगा कि तो उनकी वर्तमान आयु बताओ कि कितनी है। ये देखो क्यों कर सोल्व करना है, सारा डाटा आड़ है ना? वर्तमान आयु 40 से 50 आओगी, 40 से 50 आओगी तो आपने ठीक है ना, मैं गलत पढ़ाऊँ। इब देखो प्रेजेंट बतानी है, मतलब वर्तमान, इस तरह 10 साल पहले को अनुपात दे रखा है 3:4,
चार। इस तरह 10 साल बाद में बाद का अनुपात दे रखे, 5 अनुपात 6 न्यू दे रखी है। पहली चीज जिस पर ध्यान देना है, अंतर समान होना चाहिए। अंतर देखो कितने का है, एक का। अंतर कितने का है, एक का, ठीक है जी। अगर अंतर समान है तो ठीक है, ना समान है तो क्या करना है, एक दूसरे के अंतर दें, एक दूसरे मल्टीप्लाई करना। मान लो बिहार 2 हुए अंतर, तो इसका अंतर न मैं इस तक गुणा कर दूं, 5 गुणा 2 6 गुणा 2, इस एक तक करूं तो कोई फर्क कौन पड़ा, अंतर वाला भी करवाऊंगा मैं। अब इन्हें देखो कि 3 से 5 होने लग रही है, 4 से 6 होने लग रही है, कई यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। ये 2 यूनिट क्यों बढ़ा है, क्योंकि 10 साल को 10 साल पहली की दे रखी है, 10 साल बाद की दे रखी है, ठीक है। अंतर कितना है, देखो यो वर्तमान है, ठीक है, आड़े वर्तमान है, 10 साल पहली और 10 साल बाद, तो अंतर कितने का हो गया, 20 का हो गया। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी भाई, आ जाएगी ना। ये देखो 3 अनुपात 4, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 8 आ जाएगी यहाँ 30 की, 30 को गुणा आ जाएगा रामफल, 4 को 4 यूनिट, बतेरी कितने की आ गई, 40 की आ गई। ये भी 10 साल पहले की आई है, 10 साल बाद में बताने खातिर इनमें 10 10 ऐड कर दो, कितने का आ जाएगा, यो रामफल आ जाएगा 40 का, बुआ बतेरी आ जाएगी 50 की। ये देखो 40 की और 50 की, ठीक है भाई। तो यो कंसेप्ट हो है, ये किसी के दिमाग में यू आओगा, मास्टर निश्चित कौन बताए, निश्चित कौन निकलता होगा ना भाई, निश्चित भी निकलेगा, क्योंकि निकलेगा देखो 5 अनुपात 6 है, 10 तक गुणा करूंगा 50 और 60। इब 10 साल बाद की है वर्तमान, 10 साल बाद की, तो दिन मत 10 10 माइनस कर दूंगा मैं, तो 40 की, ये 40 का रामफल आ जाएगा और 50 की बुआ बतेरी आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यो है एज वाला कंसेप्ट की, क्यूकर एज के क्वेश्चन बनाए जाए, ठीक है, क्योंकि आप इन कंफ्यूज हो जाओ वहाँ, ठीक है जी। तो कल जो अगली वीडियो रहेगी अपनी, उसमें इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें इसी इसी क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा जिनमें अंतर अलग अलग हो, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कौन सा, ये समझना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, सारे भैया ने मेरी ओर की राम राम।